हेलो फ्रेंड्स, आज हम पनीर की एकदम लाजवाब और नई तरीके की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं जो आज से पहले आपने नहीं खाई है। देखिए, इसके लिए हमने क्या किया है। पनीर ले लिया है 100 ग्राम, 2 हरी मिर्च, 3 टमाटर, 5 कांदा प्याज को छील लिया है और 2-3 हरी लहसुन ले लिया था हमने खूब सारा। फिर हमने एक पैन लिया, उसको गर्म किया, उसमें हमने 2 चम्मच के करीब ऑयल डाला। जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लहसुन या पनीर लहसुन को पीस, खूब सारा लहसुन है उसको हम तेल में फ्राई कर लेंगे। इसको आप कर लोगे तो इसका टेस्ट 2 गुना बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, ये एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया, हम इसको निकाल लेंगे। फिर उसी ऑयल में हम क्या करेंगे, कुछ काजू, 4-5 काजू और 3 हमने प्याज को कट करके इसके अंदर रोस्टेड करेंगे, गोल्डन ब्राउन करने तक चलाएंगे। फिर इसमें हम 2 हरी मिर्च डाल देंगे। फिर इसको हम चलाते रहेंगे और गैस का फ्लेम धीमा रखिए। जब तक ये हो रहा है तब तक हम इसमें 3 टमाटर कट करके जो था उसको भी डाल देंगे और इसको हम फिर हम चलाएंगे, मिक्स करते रहेंगे कि जिससे ये नीचे लगे ना। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। फिर हम जो लहसुन था उसको हम पीस लेंगे मिक्सर में, जार में। देखिए पीस गया है, ये भी हमारा एकदम पक्के रेडी हो गया है। ऐसे ही आप इसको पका लीजिएगा। हमने उसको निकाल दिया, अब उसी पैन में हम फिर ऑयल डालेंगे। फिर हमने क्या किया था, पनीर के टुकड़ों को कट कर लिया हमने चाकू की मदद से। फिर हम इस सारे पनीर के टुकड़ों को इस तेल में डीप फ्राई करेंगे। देखिए ये हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया, हम इसको निकाल देंगे। फिर हम इसमें हींग डाल देंगे और कुछ खड़े मसाले, लौंग, इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, ये सारे मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद हम 1/2 टेबल स्पून राई डाल देंगे। जब तक ये तड़का मार रही है तब तक हम कांदे को भी कट करके इसमें डाल देंगे। हमने मिक्सर जार में जो पेस्ट तैयार किया था उसको पीस लिया। अब हम इसमें लहसुन के पेस्ट को भी डाल देंगे। इसकी खुशबू कितनी अच्छी आ रही है गाइस। ऐसी सब्ज़ी आप बनाएंगे, आप देख के क्या 4 रोटी खा जाएंगे, इतनी टेस्टी सब्ज़ी है। इसको इस तरीके से मेल्ट कर दीजिए जब तक ये हो रहा है, देखिए। और गैस का फ्लेम हमेशा धीमा ही रखिए, नहीं तो लग जाएगा। और इसको कंटिन्यूस आप चलाते रहिए। अब हम इसको क्या करेंगे, भाई हमारा एकदम पक गया है, ऑयल छोड़ चुका है, तो इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपको तीखा खाना है या ज़्यादा तो उसमें हम मिर्च पाउडर डाल दीजिए। फिर हमने 1/2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर ऐड किया है। एकदम धीमी आंच पर आप इसको पकाइए, एकदम पक चुका है जो हमने पेस्ट तैयार किया था। अब हम उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। देखिए कलर कितना अच्छा आया है। आप इसको चलाइए, देखिए हमारी ग्रेवी एकदम, इसको धीमी आंच पर पकाई, हमारी ग्रेवी एकदम पक चुकी है। इसने अभी ऑयल छोड़ रही है, देखिए। फिर आप इसमें कोई भी गरम मसाला या कोई भी पनीर का मसाला आप डाल सकते हैं। फिर इसमें आप 1/2 ग्लास के करीब पानी डाल दीजिए और इसको मिक्स कर दीजिए एकदम अच्छे से। देखिए अब एकदम धीमी आंच पे पक रहा है। जब ये थोड़ा बॉईल हो जाए तो इसमें पनीर जो आपने डीप फ्राई किया था वो सारा पनीर इसमें एक एक करके डाल दीजिए। देखिए कलर कितना प्रिटी लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है गाइस। अब इसमें आप थोड़ा सा धनिया पत्ती ऐड कर दीजिए, इसको इसके अंदर मिक्स कर दीजिए। इसकी खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। अब इसमें आप क्या करेंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे और हमारी सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।